जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइपिंग टंकी को, जो कि बहुत विशेष चैप्टर है और सभी आगामी एग्जाम में संभव है, इसके प्रश्न आते ही आते हैं। तो 203 नंबर का आज आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। सभी लोग लाइव एक बार इसको अवश्य कैदे से बेसिक पढ़ें। देखिएगा कि बेसिक होता है, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सबके घर पर टंकी होती है, वह टंकी होती है तो पाइप भी भरने का साधन भी होता है उनको। तो हम लोग आज समझेंगे कि किसी टंकी को उसकी क्षमता के अनुसार हम उसे कितने समय में भर सकते हैं, या कोई टंकी भरी हुई है और पाइप के गोले के लेंथ के अनुसार वो कितने देर में खाली कर सकती है। ये सभी चीज़ों पे हम विशेष बात करते हुए और प्रश्न को समझेंगे। समझिएगा, पहले टंकी सब लोग जानते हैं। देखिए, जैसे आपने घर पर टंकी होती है, भाई मान लीजिए मेरी राइटिंग बहुत भाई और अच्छी नहीं है हम लोगों की, लेकिन यह टंकी भरने का प्रयास करेंगे। तो टंकी में एक नल होता है जो नीचे होता है, जो कि पानी निकालने के लिए निकासी नल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? निकासी नल। तो एक निकासी नल होता है, तो एक भरने वाला भी नल होता है भाई ऊपर, है ना। तो ये भरने के लिए होता है, भरने वाला नल। अब भरने वाला नल जो होता है वो पानी को भरता है और खाली निकासी नल खाली करता है। दोनों में संभवता होता है कि देखो, अभी से ये भरने वाला होता है, ये कभी कभी तेज होता है क्योंकि ये हमारा मोटर कनेक्टेड होता है और ये इसका पाइप कुछ मोटा भी रहता है तो जल्दी भर देता है। और ये जो निकालने वाला नल कुछ पतला रहता है क्योंकि ये इससे हम स्पेंड करते हैं और हम इसके पतले पाइप का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कम से कम हम पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी को बचाना भी हमारा पहले काम है, क्योंकि भैया पीने वाला पानी बहुत अधिक नहीं है। अच्छा, देखिएगा, कर हम लोग जब बात करते हैं फिर, तो एक मान लीजिए जब हम अगर बाई चांस हम पानी भर रहे हैं और हमारे निकासी नल मान लो दो हैं, भाई छत पे लगी टंकी भरने वाला, देखिए हमारे दो फ्लोर हैं और दोनों पे थोड़ा पानी जाना है तो हमने दो निकासी नल कर दिए। अभी होता क्या, जब भरते हैं और निकालते हैं तो सिस्टम इधर होता है कि मान लीजिए जैसे एक एक नल लगा है आपका, है ना, एक नल भरने वाला है और वो किसी टंकी को मान लीजिए 12 घंटे में भर देता है, भरता, ठीक है। और तो हमें यार ये लगेगा हमारा जो नल है भरने में इसकी सीमा बहुत क्षमता कम है, तो हमें एक और लगाना चाहिए। तो हमने एक नल बी और लगा, बी पाइप लगा दिया भाई। जब बी पाइप लगाया तो ये 15 घंटे में भर पाता है उसको। तो हमने एक टाइम सोचा यार कि ये 12 में भर रहा है, ये 15 में भर रहा है, और अगर दोनों को अलग अलग जलाया गया तो हमारा टाइम पहले से ज़्यादा और वेस्ट होगा। तो हमने क्या, दोनों से इकट्ठा काम करो और दोनों एक साथ स्टार्ट कर दो। तो दोनों स्टार्ट कर दिए, परंतु समस्या ये है कि सर, आप टंकी की हमें माप नहीं पता, अगर ये 12 में भरेगा ये 15 में भरेगा तो हम कैसे जाने कितनी देर भर देंगे दोनों। तो हमने कहा भाई दोनों को पहले निकालो एलसीएम, और एलसीएम हो जाएगा टोटल पानी की क्षमता मान ली जाएगी। तो 12 और 15 का एलसीएम बच्चे 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। दोनों, अब देखो ये 5 और 4 लीटर पर मिनट भर रहे हैं। टंकी टोटल कितने की होगी भैया? 60 लीटर की होगी। जब हमने यहाँ से बात कर ली तो देखो भैया कि टोटल भरना है हमें 60 और ये 5 4 9 से भरेंगे। तो हमने कहा 9 6 54 कितने बच गए भाई? 6। तो 6/9, 3 2 6 और 3 3 9, तो 6 2/3। यदि भी हम कह सकते हैं इसको घंटे, कि 6 2/3 घंटे में भर सकता है। यदि भी कई बार हमें घंटे का मिनट में मिल जाता है, तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि भैया 6 घंटे तो कंफर्म हो गए, 6 घंटे तो हैं। अब जो 2/3 है ये सर घंटे में नहीं है, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 60। अब देखिए 3 1 3 3 2 6 20 हो गया, 20 2 40, इन्हें 6 घंटे 40 मिनट इस टंकी को भरने में समय लगेगा। डन। इसको बेसिक मैंने इसलिए समझाया था कि हम लोग अब आगे जो प्रश्न करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे, वो हमारे सब समझ में आए और अच्छे से हो जाए। चलिए, ये था 2 का बेसिक। मान लीजिए हमें टंकी की पर्याप्त और कुछ चाहिए, हमें मान लो 3 नल चाहिए भाई, हमें 4 चाहिए। तो हमने क्या किया भाई, थोड़ा सा एक काम और बढ़ा दिए, बेटा 3 से भरवा लें, फिर हम लोग ऐसे प्रश्न करने वाले हैं और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हो जाएंगे आपके लिए। पूरा देखो प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए 3 नल भर रहे हैं,
एक नल है जो भर रहा है हमारा 10 में, दूसरा नल है जो भर रहा है हमारा 30 में, और तीसरा नल जो है वो हमारा भर रहा है 15 में। ठीक है, हमने सर ये टंकी इतने इतने घंटों में भर रही है तो टंकी की क्षमता है कितनी, क्योंकि आपने कहा सर जो ए व्यक्ति है वो तो उसको 10 घंटे में भर देता है, सर वी व्यक्ति है वो 30 घंटे में भर देता है, सी व्यक्ति है वो 15 घंटे में भर देता है, तो सर ये बताओ इस टंकी की क्षमता सर कितनी है, ये टंकी पर कितना लीटर पानी आ जाता होगा। तो मैंने कहा बोला कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सा एलसीएम निकालना है उसका, लासा पानी निकालना है। तो लासा कैसे निकालेंगे भैया, 30 और 15 और 10 का लासा जो होता है वो 30 ही होता है। ठीक है, तो देखिए 10 तिहाई 30, 30 एकन 30 और ये 15 दूनी 30। अभी ये देखो ये एक घंटे में 3 भर रहा है, ये 1 भर रहा है और ये 2 भर रहा है, तो 3 और 3 6, टोटल टंकी क्षमता कितनी है भैया 30, तो 5 एक 30, यानी अब ये 5 घंटे में तीनों मिलकर भर सकते हैं। ठीक है भाई, पहले ये 10 में भर रहा था, ये 30 में भर रहा था, ये 15, ये तीनों मिल के भरे, तो यानी यूनिटी में पावर होता है भैया, एकता में बल है ना, तो एकता में क्या कर दिया ये 5 घंटे में भर सकते हैं। भाई वो वाली एकता नहीं बनना, तो लड़के हो तुम अपने वाली एकता ढूंढ रहे हो, नहीं नहीं ये एकता विशेषता है, संगठन है ये। ठीक, चलिए तो अब आज के विशेष प्रश्न को प्रारंभ करेंगे। भैया सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद। भैया अब क्लास को शेयर करो ताकि क्लास का पहला प्रश्न आपके लिए लगा दिया जाए, कुछ आप लगा देंगे कुछ आप शेयर कर देंगे तो मुझे लगेगा आप फुल सपोर्ट पूरा एकदम सर के साथ हो, जब सर के साथ हो तो आज की क्लास और ही बिंदास होने वाली है। आज की क्लास में आप भैया 2 से 3 नंबर का आप गेम सीख रहे हैं भैया, जो कि एग्जाम में 0.01 भी महत्व रखता है, ये तो 3 नंबर की बात है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लगाइए और पढ़िएगा इसको, कि दो नल ए तथा वी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, यदि नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आज ये टंकी बहुत भरनी है, कभी खाली कभी आधी भरी हुई, बस भरनी है। ठीक है, हाँ तो ये क्या है कि खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन ए 20/3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6/20, ऑप्शन डी 8/20। बहुत बेहतरीन है, अभी लगाया बिल्कुल सेम है, लगा दो भाई, हमारे शेर ऐसे नहीं होने चाहिए भाई, है ना, हमारे शेर ग्रुप है, ये हमारा गाइज वाला नहीं है, ये हिंदुस्तानी ग्रुप है और ये हमारा जो हिंदुस्तानी ग्रुप है मजबूत है। चले भाई ए और वी, ए भर रहा है हमारा 12 में और बी भर रहा है हमारा 15 में, यही बात तो है, दोनों का लासा कितना आएगा भैया 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, 5 और 4 9, क्षमता कितनी हो गई बउआ 9, एक घंटे में 9 भर दे रहे हैं, तो 60 भरना है 9 से भरेंगे तो 9 * 54 कितना बच गया भाई 6/9, 2 * 3 = 6 और 2 * 3 = 9, यानी 3 * 2/3। आप कहो सर आंसर तो ऑप्शन तो आया नहीं, तो ऑप्शन देखो मेरे भाई 6 * 18 = 2 = 20 तो मिल गया ऑप्शन वाला ए करेक्ट। और अभी कभी अगर इतने पे ना मिले, समझ जाओ यहाँ ना मिले, यहाँ पहुँच गया, अगर यहाँ भी ना मिले तो क्या करोगे सर, तो आप ऐसे करोगे कि भैया 6 * 18 कितना बच गया 2 में जाएगा नहीं, 10.9 कितना होगा 20, फिर 3 * 6 = 18 फिर 3 * 6 = 18 यानी 10 कितना आएगा कि भैया 6.66 आएगा,
घंटे बोलोगे उसको। और अगर कभी ये भी ना मिला, उनने कहा घंटे और मिनट में मिल रहा है सर, किसमें, घंटे और मिनट में, तो आप क्या करेंगे, ये 6 घंटे तो मिल गए, इनको करो अलग। अब ये 2/3 जो है इसका घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 में मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो देखो 20 दिया ही 60 और 20 दूनी 40, यानी अब हम कह सकते हैं 6 घंटे और 40 मिनट में टंकी भर जाएगी, इसीलिए मैंने अलग अलग दिए। ठीक भाई, डन किया जाए। अब नेक्स्ट करो तुम, तुम्हारे लिए बेस्ट है कि दो नल ए और बी, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली हौज को भरने में कितना समय लगेगा। बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बस तुम लगा दो ऑप्शन ए 6, B 7, C 8 और D 9। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग, आजा मेरे लाल, पढ़ो बउआ पढ़ो, है तुम्हारे लिए तो है, चलेगा। बहुत भैया अच्छे। नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई जो अब हम कर रहे हैं वो क्या कर रहा है कि ए व्यक्ति जो है वो हमारा ए नल जो है वो 10 घंटे में भर रहा है और वी नल जो है वो 15 में, ठीक है, दोनों को अल्लाह साहब वो कितना आ जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दोनी दोनों मिलके 5, अब टोटल कितना भरना है 30, किससे भरेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एक 30, क्या घंटे में भर रहे हैं हम इसको, 6 घंटे में भर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज आल्सो करेक्ट। ठीक, डन किया जाए। बोले आदतें और संस्कार हमें बताते हैं, क्या कि हमारी आदतें और हमारे संस्कार हमें बताते हैं कि आप 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के हैं। तो पढ़िए मेरे लाल, देखो बदतमीजियाँ नहीं होती, हम जैसा बिहेवियर सामने वाला हमें कैसे बता देता है तुम यार पागल आदमी हो, तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है, वो हमारा बिहेवियर देख के तो बताता है। और हमारी बिहेवियर क्या, हमारी आदतें होती हैं, जैसे हम क्या कहीं गए पता चला ए छोटू इधर आओ, इधर आओ, क्या है यार उसको बोल दो बेटा इधर आ जाओ, अच्छा लगेगा उसको भी लगेगा मेरे थोड़ा अच्छे से बोला गया। आप जाते हैं ऑटो वाले के, ऑटो इधर आओ, बेचारा वो ऑटो नहीं है, वो भी व्यक्ति है, वो काम कर रहा है किस लिए, ताकि उसकी फैमिली का भरण पोषण पालन पोषण कर सके बेचारा, तो वो काम कर रहा है, अपने आप व्यवसाय बना लिया, वो ए ऑटो नहीं होता है, वो एक व्यक्ति होता है। ठीक है, तो आप भी अपने आचरण को सुधार अवश्य करें। चलिए, तो प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइएगा कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 30 घंटे, बी 5 घंटे, सी 1 घंटा 12 मिनट और डी 2 घंटा 3 मिनट। बहुत ही बेहतरीन है, एकदम गजब का है, बस आप लगा सकते हैं इसको, लगाइए। चलिए, आसान है अगर आप मन से कर रहे हैं तो, अगर आप मन से नहीं कर रहे हैं तो फिर आसान नहीं मेरे भाई, क्योंकि मन ही आपको बताता है आप आसान काम कर रहे हैं कि आप कठिन कार्य कर रहे हैं। तो भाई सिंपल सा है, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, तो ए व्यक्ति कितने में भर रहा है भाई 2 घंटे में, और बी हमारा भर रहा है 3 घंटे में, दोनों की क्या एलसीएम 6, 2 तिहाई और 3 दूनी टोटल कितना हो गया भाई 5, तो टोटल काम है 6/5, तो क्या करेंगे भैया 5 एकम कितना था 1/3, 1 घंटा 1/5, अब सर 1/5 वाला कन्फर्म नहीं है, तो 1 घंटा वो अलग कर लो
और क्या करोगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 60, 12 × 5 = 60, 12 × 1 = 12, यानी 1 घंटा 12 मिनट। कितने नंबर है भैया, 1 घंटा 12 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर सी है 1 hour 12 minutes। डन किया जाए सी, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक क्लास है तो बेसिक तरीके से पढ़िएगा। फिर जैसे ही आपको एडवांस, देखो अभी आपको बहुत सारे प्रश्न कराने वाले हैं, एडवांस भी सम्मिलित हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करा रहे हैं, आपके साथ हैं, है ना। चलिए कि पाइप पी और क्यू, पाइप पी और क्यू क्रमशः 12 घंटे और 36 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 10 और डी 7। कितना? बहुत अच्छे भैया, तुमने तो पढ़ते पढ़ते आंसर दे दिया। गलत बात भाई, ऑनलाइन वाले बेइज्जती ना करवाओ, तुम इनसे पहले आंसर दिया करो। तुम्हारे सामने पहले प्रश्न लग जाता, तुमको दिखाई पड़ता, इनको हम बोलते हैं तब ये लिख लेते हैं उसमें, ठीक है। चले भाई, तो पी एंड क्यू, पी कितने में कर रहा भाई, 12, और क्यू दोनों का लासा 36, 12 × 36 और 36 × 36, तो दोनों भरेंगे तो 3 × 1 = 4। टोटल काम है कितना, टोटल पानी कितना है, 36 लीटर भरना है, 4 से भर रहे हैं बेटा, तो 4 × 3 तो 9 घंटे में टैंक फुल। समझ गया भैया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या बात है भाई, ए वाले ज़्यादा सही जा रहे हैं, अगली बार तुक्का मार देंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन सही जगह लिखो, मैं सबके समय ए दोगे, ये हमारे ऑनलाइन सैदान है, ये देखेंगे कहेंगे ए सही सर, चले जाएंगे, फिर कहेंगे बाबू थाना था या, फिर लौट कर जाएंगे, सर ये सही है, बता रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 लगाएंगे, बेहतरीन होगा। उससे पहले बाबू से पूछने जा रहे हो खाना खाया, पहले सुन लो कि बुरे वक्त में भी किसी से उम्मीद मत रखो, बुरे वक्त में भी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते अक्सर शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। तो बनना है क्या कहते हैं, कि बुरे वक्त में भी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते अक्सर शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अगर तुमको लगे सर ऐसा नहीं है, तो महाभारत ग्रंथ सुना होगा तुमने, सुना है ना, सबने सुना होगा, लोग समझौता करते गए बर्बाद होते गए। भीष्म पितामह जिसने परशुराम से सालों साल युद्ध किया, और वो एक नालायक दुर्योधन के आगे नतमस्तक थे, शांत थे, क्योंकि वो समझौता कर चुके थे धृतराष्ट्र से कि मैं सिंहासन के अधीन हूँ, मैं आपके ही कार्य करूँगा, जो आप कहेंगे वही सत्य है। तो ऐसे समझौते की वजह से 18 दिन नहीं तो 10 दिन तो करीब महाभारत के युद्ध में पड़े रहे, जबकि वो चिरंजीवी थे, अपनी इच्छा अनुसार मार सकते तब। तो समझौते ना करो, शेर बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, जहाँ बैठोगे वही सिंहासन तैयार हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो तुम पढ़ो, तुम कर्म करो, तुम ना सोचो सर वैकेंसी नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, 20 बार होगा अगर तुम्हें दम है तो। अबे इन पे भरोसा ना करो कि इसमें लिखा कि नहीं, इस पे भरोसा करो कि यहाँ है, चल रहा है, ले लोगे। तो आज से ना नसीब पे ना रोना, काय पे रोना, रोना है ही नहीं सर, सिर्फ समझौता भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, कर्म करो भैया फल मिलेगा। चलिए भाई कि 2 नल, प्रश्न नंबर 5 लगाइए महोदय, 5 लगाइए कि 2 नल ए तथा बी, अब तो आसान आसान है, जल्दी जल्दी खींच दो भाई फिर आगे बढ़े, कि 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल
एक खाली टंकी को एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर ए 13.4, बी 14.4, सी 16.4 और डी 15.5। 13.4, 14.4, 16.4, 15.5। सॉल्व करो भाई एक्टिव होके, आंसर आया के ऑफलाइन तुम बताओ भाई। 14.4 आ गया भाई, तुम ऑनलाइन वाले भाई। अरे मेरे भाई एक्टिव होके लगाओ जरा, ये स्लो स्लो गाना ना गाओ वरना गाना गाओ एक चतुर नार बड़ी होशियार। चलो भाई ए बराबर 24 और बी 36, दोनों को लासा 72, 24 तिहाई 36 दूनी दोनों मिलके और कितना पानी भरना है? 72 लीटर क्षमता है 5, तो 14 पंचे 70 होता है सर, तो कितना आ गया 14। आप देखो जब 14 हो गया है आप कितना बचा हमारे पास, तो दशमलव लगाया सर 20 हो गए, 5 चौके 20 यानी 14.4 घंटे में ये टैंक जो है वो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, भर जाएगा। डन। देखो भाई 5 एकम 5 करोगे भाई 2 बचेंगे, 22 हो गए, 5 चौके 20 फिर 2 बचे बेटा, 5 चौके 20 दशमलव, ठीक है डन किया, क्योंकि हमने टेबल लाइटली पढ़ दिया 14 को, किसी को कन्फ्यूजन रही हो इसलिए मैं दोबारा बताया। देख लो आपको बाबू कितना ख्याल है हमें पढ़ने के लिए, तुम पढ़ो चुपचाप यार। हाँ प्रश्न नंबर 6, अब थोड़ा सा आपको एक बार और बढ़ाएंगे, तैयार हो? पक्का डन। चलो लिखो इस बार कि प्रश्न नंबर 6, 3 नल हैं, क्यों कितने नल हैं? 3 नल हैं आपके पास, ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटों में भर देते, कितने कितने 4, 6 और 12 घंटों में भर देते हैं, तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 2 और डी 5। करो भाई, अरे कितने में एक साथ बोलो, दो एक है चिल्ला रहा है, हाँ आगे पीछे तुम सबको लाठी पड़ेगी। नंबर छह है ये, ठीक है। तो भाई 3 नल हैं ए और बी और सी, ए बी सी, ए कितने में भर रहा है? 4। फिर ये 6, ये 12, लासा 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तीनों मिले कितने हो गए? 6 और कितना पानी भरना है? 12, 6 दूनी 12, क्या घंटे हो गए? 2 घंटे भर गया। यस सर। चलो भाई तुमने एक्टिव किया, पानी भर गया, ठीक सबका आया। चलो अब करो प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है 3 नल ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10, 20 और 40 दिनों में भर सकते हैं। सबने लिख लिया 10, 20, 40 में भर सकते हैं यदि टंकी खाली हो और तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 4, 5, 7, 6, कितना 4, 5, 7, 6, ए बी सी डी है 4, 5, 7, 6। डन करो भाई, चलो भाई कर दो, चलिए भाई कीजिएगा इसको। नंबर सात तो करो भाई, बताओ ए कितना है, बी और सी, ए बी बी और सी कितना है? 4।
लाता 40, 10 चौके 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40, कितना हो गया 7, 4 तो 6 और 1 7 बटे 40, तो 40 बटे 7 करो भाई, 7 पंचे कितना बचा 5 बटे 7 घंटे हो गए। क्या यहाँ ऑप्शन है? नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है भैया 5 6, ये तो ऑप्शन में नहीं तुम्हारा। अच्छा लगभग में है, तो नीचे लगभग लिख देते ना भाई प्रश्न में, ठीक है लगभग कैसे, लेकिन क्लियर समझो पहले। देखो 5 घंटे, अब देखो 5 बटे 7 है, घंटे है मिनट में लाना इंटू 60, बहुत मार जाएगा। देखो पढ़ो 7 का 7 8 56, कितना बचा 4, फिर 40 हो जाएगा, 7 पंचे 35, फिर कितना बचा 5, 7 7 49, तो यानी ये 5 गुणे 8.57, 7 7 8 सॉरी 5 8 40 दशमलव 57 रखो, ज़्यादा ना, यानी लगभग 6 घंटे होने चाहिए थे भाई, 5 नहीं लगभग 6 घंटे, क्योंकि 5 घंटे 40 मिनट कुछ हो जाएगा, तो लगभग 6 घंटे वाले को आंसर बता दीजिए आप, ठीक कम से कम 5 घंटे और अधिक हो सकते हैं तो 6 घंटे लगभग, ठीक है। तो अगर आपने कम से कम नहीं लिखा है तो ठीक गलत बात है। चलिए भाई, तो ये आप इसमें 6 वाला सही कर लो, 6 वाला, ठीक है सी नंबर। चलो भाई अगला करो, नंबर 8 की तीन पाइप एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 मिनट में पूरा भर सकते हैं। क्या है? 30, 40, 60 मिनट में पूरा भर सकते हैं, तो एक खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 11.3, ऑप्शन बी 12.3, ऑप्शन सी 14.3 और डी 13.3। लो भाई फुर्ती में लगाओ, एक्टिव हो गए भाई, हमारे शेर तो गायब हो, ऑनलाइन वाले ये जो है ना धोखा देने लगे हैं, वो वाला बोलना पड़ेगा है? बोले सर बेवफा भाई निकलते हैं जिन पे भरोसा किया जाए आग बंद करके, तो तुम ऐसा ना करो मेरे साथ भाई। हाँ चलो भाई, तो ए वी एंड सी, तो ए कितने में भर रहा है, बी सी बाकी के मुंह बंद है, दही जमानी है नहीं। तो फिर सब बोला करो भाई, ला सा 130 चौके 10 तिहाई 40 तिहाई, ये टोटल 4 3 7 2 9, कितना काम भरना है 120 पानी है, पानी भरना है 120। तो देखो भाई 9 एकम 9, कितना बच गया 3, फिर क्या करो 9 तिहाई 27, कितना बच गया 3 बटे 9, 3 एकम 3 तिहाई 9, तो 13.3 यही रोक दो भाई, 3 3 कर दो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हो इस घंटे में भर जाएगा, तो कहाँ है 13.33 है कहीं? हाँ भाई 13.3 है, ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आज राइटर को थोड़ा थोड़ा पीटना है, ठीक है, क्योंकि राइटर तो बहुत मिस्टेक कर रहा है। अभी अभी ना पीटो, अभी पढ़ने दो, ये पहले पीटने तैयार हो जाते हैं। चलो भाई, तो बोले कि हर नई शुरुआत थोड़ा डराती जरूर है, सुन रहे हो भाई, तुम्हारे लिए है क्या कि हर नई शुरुआत थोड़ा डराती जरूर है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही आती है ना, कि हर नई शुरुआत थोड़ा डराती जरूर है पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही तो आती है। हाँ लेकिन तुम ये अपने वाले में सेट ना कर लेना इसको, ना सर जी प्रेम चल रहा है, मुश्किलें चल रही हैं, सफलता मिलेगी नहीं बउआ, वहाँ तोड़ी जाएगी तुम्हारी, तो हम बता रहे हैं तुम खुरा पाती हो, अभी इंटर ट्वेल्थ करके निकले हो, एकदम इंटर करके बी एस सी एस सी में आ गए,
अभी सर सफलता मुश्किल चल रही सर, सफलता मिलेगी, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। रख अर्जुन सा लक्ष्य और लगा निशाना, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। पट वो पढ़ाई में लगा तो निकलेगा, ठीक। हाँ नहीं तो फिर बोलेगा आज नहीं तो कल पिटेगा, और कोशिश कर अभी पिटेगा। और रख दुर्योधन सा लक्ष्य, जब बोलेगा तभी पिटेगा, ठीक। चलो भाई नौ नंबर, तो चलो खैर कोई बात नहीं। नहीं बच्चे बड़े मानस मिल जाते हैं। एक बच्चा हमसे पूछा सर हमको जूता चाहिए, हमने बेटा कर्म करो मिलेगा। तो तुम मेरे किसी को चाहिए के no. नहीं तो ठीक है, वरना देखो हम तो जानते कर्म करो। हाँ अच्छा जूते के लिए पैसा नहीं होता, अब नहीं फिर करे कर्म करो, तुम कर्म करो मिलेगा पक्का। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 कि तीन नालियां ए बी तथा सी अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10, 12 तथा 15 घंटों में भर सकते हैं। तदनुसार यदि तीनों नालियां एक साथ खोल दी जाएं, तो वह कुंड कितने समय में भर जाएगा? ऑप्शन ए 5 घंटे, बी 4 घंटे, सी 3 घंटे और डी 6 घंटे। डन करें? चलो लगा दो, होगा हो गया, लग गया। अरे बहुत अच्छी बात है, अबे बहुत पीटेंगे तुमको, और लगाने दो इनको। नंबर 9 है कि 10 है? अच्छा 9 ही है। चलो भाई अच्छा ए बी और सी बेचारे बदनाम गलियों के आते हैं, ए बी सी इनको हर बार आना पड़ता है। ए इक्वल टू 10, बी 12, सी 15। भाई तीनों का लासा 60 अच्छा 10 ठीक है, 12 पंचे और ये 15 चौके टोटल करो भाई 6, 5, 11, 4, 15 तो 15 और टोटल का पानी कितना भर रहा है मैं 60 लीटर 15 चौके 4 घंटे में टंकी फुल खत्म कितनी देर में होगी अपनी तो हो जाती बहुत जल्दी अपनी भरने में 1 घंटा लगता है और खाली करने में 2 घंटे खत्म हाफ हाफ रेसी चलता है ठीक है। हाँ करें नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 लगाओ भाई महत्व है और इस बार तुम्हारी आवाज ना आई तो आज तोड़ देंगे तुमको। तुम आंसर दो एक्टिव होके बैठो भाई, रात में 9 बजे पढ़ने आए हो नींद लाठी लाओ नींद आ रही इनको सहूलियत में पढ़िए। हाँ अरे मेरे ऑनलाइन वाले प्यारे साथी हो ये तुम्हारे लिए नहीं, ये कुछ बैठे हैं अच्छे बच्चे हैं खैर हालांकि पढ़ने के लिए है। अरे चौप ये बेचारे प्यार घर में बैठे इनको चिल्ला मोबाइल बंद कर देंगे। अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जिनको मतलब पढ़ते पढ़ते शाम को नींद आती है, जिनको आ रही हो पगला हो तुमको नींद आ रही है ना। चलो ठीक है भाई फिर से जो लोग नए बीच में आए हैं सबको भैया गुड इवनिंग जय हिंद राधे राधे मेरे साथियों, आराम से पढ़िए क्लास है आपकी ना। चलिए तो पी क्यू आर क्या लोग हैं भैया? 3 लोग हैं पी क्यू आर अलग अलग किसी काम को किसी हौज को क्रमशः 4, 8, 12 घंटों में पूरा भर सकते हैं। कितने कितने 4, 8, 12 घंटों में पूरा भर सकते हैं। तो एक खाली टैंक को तीनों एक साथ भरने में खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 2.11, ऑप्शन बी है 2.10, ऑप्शन सी 2.18, ऑप्शन डी 2.62।
लगाओ भाई, तीन है, कौन कौन है, इसको मिटाए ना, ये लो यहाँ भी दिख रहा होगा बोर्ड, तो पी क्यू और आर, ये कितने में भर रहा भाई, चार, क्यू सी बारह, ये बारह, लासा छः चौके चौबीस, आठ तिहाई चौबीस और बारह दूनी चौबीस, टोटल प्लस करो कितने होगा, छः तीन नौ दो ग्यारह, ग्यारह, और कितना पानी लीटर भरना है, तो ग्यारह दूनी कितना बच गया, दो दशमलव लगाओ, कितना हो गया फिर से, बीस, जो ग्यारह एकम कितना बच गया, नौ, नब्बे हो गया, ग्यारह अठे अठासी, यही छोड़ दो, तो 2.18 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यहाँ दिख रहा है भाई वोट, चले फिर तो काफी दिख रहा है, हम तो आधे में लगे पड़े थे फालतू, चलो भाई ठीक है, बोले हालात सिखाते हैं कि सुनना है कि सहना है, कि हालात सिखाते हैं कि बातें सुनना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होता है, कॉलर ऊपर किया सर, कौन बोल रहा है हमसे, अच्छा ये जो हम लोग खास कर खैर हालांकि सबको ही एक टाइम आ जाता है कि सुनना ही पड़ता है सहना भी करना, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रहता, देखो ऐसा है जब घनघोर रात्रि आ जाए, जब घर घोर अंधकार हो जाए, समझ लो अब सुबह होने वाला है, ठीक है, जब तुमको कभी लगे सर अब सफलता सर इतनी मेहनत के बाद नहीं मिल रही, तो समझ लो बउआ थोड़ी सी और कर, अब सूर्य निकलने वाला है, ठीक है, और अगर तुमको ऐसा लगने लगे सर नहीं मिल रही, तो मेहनत बढ़ाओ, देखो ऐसा होता है लक्ष्य रास्ते बदलने से नहीं मिलते, लक्ष्य कब मिलते हैं, जब रास्ते पर बने रहो, मजबूती से टिके रहो और उसी रास्ते पर थोड़ा सा और चलो, ठीक है भाई, थोड़ा सा पानी पी ले, लाओ सॉरी चले भाई लगे, अगला लगाओ नंबर 11, अब थोड़ा सा चेंज भी करेंगे तुम्हें, ठीक और चेंज करें, चलिए नंबर 11 सभी लोग लगाइए भाई, नंबर 11 क्या है, 11 नंबर कह रहा है दो नल एक्स तथा वाई एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, देखो अब दो मिल के भर रहे हैं, समझ लो कि दो नल जो हैं वो एक्स तथा वाई एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, इस बार लिख लेना सब लोग वरना बाद में मार खाओगे सब, कि दो नल एक्स तथा वाई एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं तथा वाई तथा जेड 7 घंटे में भरते हैं, वाई तथा जेड 7 घंटे में भरते हैं तथा एक्स तथा जेड, एक्स तथा जेड इस खाली नल को 12 घंटों में भरते हैं, क्या सॉरी नहीं 14 घंटे में भरते हैं, तो तीनों मिलकर यदि ये तीनों के साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन ए 5.25, बी 7.25, सी 6.36 और डी 8.25, देखो भाई एक्टिव इस वाले में थोड़ा सा चेंजमेंट है मेरे भाई, कतई घबराना नहीं है, इसका भी वही उपाय है जो कोविड का था, घर से नहीं निकल रहा है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, कुछ खरीदना वरीदना नहीं है, घर में रहें स्वस्थ रहें, ठीक है, अभी क्या है कि x और y, x प्लस वाई जब दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो कई घंटे में भर रहे हैं भाई, 6 घंटे में भर रहे हैं, फिर y तथा z मिलकर जब भर रहा है तो कई घंटे में भर रहा है 7 में 7 घंटे में भर रहे हैं, और जब x प्लस z तीनों भर रहे हैं 14 घंटे में भर रहे हैं, देखो भाई इनका भी लसा निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका भी वही उपाय है ना, तो लसा कितना आएगा इसका 42, 6 7 7 6 और ये 14 3 मिल गया सब, देखो 7 6 13 और 3 16 16 हो गया पर डे क्षमता, लेकिन बात ये है कि सर ये एक्स दो बार आया है
ये वाई भी दो बार आया, जेड दो बार आया, और हमें बोला गया कि भैया एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भरवाओ, तीनों से भरवाओ, जो छः हो रहे हैं। तो हमने कहा देखो भाई इसको कर लो अंदर और दो ले लो बाहर, सबके पास है इसलिए दो दो, और ये दो जो है ना उठा के यहाँ लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया भैया, आठ दो नहीं सोलह, अभी आठ आ गया मेरे भाई। अब देखो टोटल पानी भरना है हमें 42 लीटर, और हमारी पर डे क्षमता जो है, पर डे क्षमता मतलब पर घंटा आवर क्षमता है वो है आठ, तो आठ पंचे 40 कितना बजे, दो दशमलव लगाया 20 हो गया, आठ दूनी 16 कितना बज गया 4, और आठ पंचे 40 यानी 5.25 घंटे में हम इस टैंक को फुल कर सकते हैं। डन, ऑप्शन भाई मिल गया, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, हाँ पूरा टैंक भर दो भाई, चले प्रश्न नंबर 12 लगाइए, 12 लगाइए भाई कि ए तथा बी, यहाँ लगा दिए भाई, पहले ऑनलाइन पढ़ने दो, इस बार तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले इस बार ऑनलाइन वालों को पढ़ने दो भाई, और इनको 30 सेकंड भी पूरे दो, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं और ये भी पढ़ने आए हैं। चलिए भाई 30 सेकंड तुम्हारे पूरे हुए कि 30 सेकंड पूरे करो अपने, आंसर आया भाई सबका आया, अभी नहीं आ रहा, तुम देखो बुआ इसमें कौन कौन आंसर कर रहा है, और कौन कर रहा है, राधा राज और सरोज, हम तुम कर रहे हैं, और राजमणि ब्यास, अच्छा चलो भैया प्रिया जी कर रही हैं, शर्मा जी, चलो सब लोग कर रहे हैं, सब लोग अच्छे हैं मेरे सारे प्यारे सर, अब तुम बैठ जाओ चुपचाप पढ़ो अपनी है, वरना मेरे सारे साथी अगर जिसका रह जाएगा वो कहेगा सत्यम से चिल्लाएंगे हमारा सर नहीं बोला गया, है ना, सत्यम चिल्लाएगा आके हमारा नहीं हुआ, है ना, चलो खैर कोई बात नहीं, सब लोग अच्छे हैं, है ना, पढ़िए, नाम कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन बाद वो आपके वो लग स्लेट लग जाएगी, पर आप सबके नाम से सबको बुलाया करेंगे भैया कि अब आगे कटिहार जी, अब आगे सत्यम हमारे, अब आगे रविकांत, है ना, आओ प्रसाद मिले सबको थोड़ा थोड़ा, ठीक। चलो भाई तो पहला आप पढ़ लो, अब पढ़ो भाई तुम सुनो कि ए तथा बी एक टंकी को 9 घंटे में भरते हैं, बी तथा सी इसे 12 घंटे में भरते हैं, और ए तथा सी इसे 36 घंटे में भर सकते हैं, और तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन ए 11, बी 10, सी 12 और डी 9, लिख लिया भाई तुमने, तुम्हारा आया भाई नीचे अनुज, चलो भाई करो भाई बताओ, पहले ए प्लस कौन भर रहा है, बी कितने में भर रहा है, 9 घंटे में, और बी प्लस सी और सी प्लस ए 36, टोटल कितना हो गया भाई 36, ही इसका एलसीएम आया तो 9 चौके 36, 12 तिहाई 36 और 36 एकम 36, 4, 3, 7 और 1 कै लीटर पानी भरना है, 8 चौके 32, अच्छा दो दो बार हैं, अरे लो लो भाई पुरुषोत्त में लो, अच्छा वो ये ऑफलाइन वाले बता देते हैं वरना ऑनलाइन बताए भी ना तो चलो भाई कितना है, 8 है, ये तीनों भर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी भर रहे हैं, ये दो दो बार सब हैं इसलिए बटे दो, यहाँ दो चौके 4 मिल गया, और टोटल भरना कितना है 36, कितना भरेंगे 4 की स्पीड से भरेंगे, 4 रेम 36, तो यानी 9 घंटों में ये पूर्ण भर देंगे भाई पानी, डन किया जाए। चलिए अब लगाते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्या, नंबर 13 पढ़िएगा कि नल ए किसी टंकी को 12 घंटों में भर सकता है, नल ए किसी टंकी को 12 घंटों में भर सकता है, तथा नल बी उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है,
तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? इस बार अलग अलग बात है मेरे भाई, है ना। इस बार फिर से नया टाइप समझ लीजिए या नए टाइप क्वेश्चन समझ लीजिए। हाँ, तरीके वही हैं, तरीका चेंज नहीं, मेथड कोई चेंज नहीं होगा, मेथड वैसे लगाना है, बस थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए 23 घंटे, बी 22 घंटे, सी 24 और डी 21 घंटे। देखो भाई, मान लो ये हमारा जो टंकी ए जो भर रहा है, ठीक है, और बी खाली कर रहा है। अच्छा, ए कितने में भर रहा है? 12 घंटे में भर रहा है, और ये बी 24 घंटे में खाली कर रहा है। देखो, भरने वाले को प्लस लगा लीजिए और खाली वाले को माइनस, दोनों का लासा 24, 12 दूनी 24, एकम 24। देखो ये दो भर रहा है ना ये, और एक खाली कर रहा है, तो कितना भर पा रहा पानी सबको? डिफरेंस एक है, तो यानी एक भर पा रहा है पानी, और टंकी को भरनी है जिसमें 24 लीटर पानी भरना है, तो कितने दिन भर पाएंगे भैया? 24 घंटे ही लग जाएंगे इस टंकी को हमें भरने में, ठीक है, भरने में समय, ठीक है भाई। बोले हम वो समुंदर हैं, हम वो खामोश समुंदर हैं जिनके पहलू में तूफान पलते हैं, है ना। फिर सुन लो कि हम वो खामोश समुंदर हैं जिनके पहलू में जिनके पहलू में तूफान पलते हैं, और हम वो युवा हैं, क्या कौन से वाले, कि सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नाव का चक्कर छोड़ो, तुम तैर के दरिया पार करो। तो हौसला इतना होना चाहिए और धैर्य पहले जैसा होना चाहिए, कि जब धैर्य चाहिए हो तो बात करो कि हम वो खामोश समुंदर हैं जिनके पहलू में तूफान पलते हैं, ये हमारा धैर्य है। और जब वही क्रोध आ जाए तो बोलो क्या, कि सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नाव का चक्कर छोड़ो, तुम तैर के दरिया पार करो, है ना। चलिए, प्रश्न नंबर आज का नेक्स्ट लगाइए, जो कि आपका सेकेंड लास्ट भी होगा, नंबर 14। ये भी ऐसा ही है, भरना और खाली करना है। देखिएगा, सही से लिखिएगा बेटा, कि नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, नल बी उसे 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 16, बी 14, सी 15 और डी 13। 16, 14, 15, 13 आपके पास है ऑप्शन, ढूंढेगा 16 कितना है। 16। चलो भाई 16, हम भी देख लें भाई आया कि नहीं आया। हाँ, अगर आ गया तो ठीक है, ना तुम्हारे लिए इनाम है बच्चों, डंडो वाले। हाँ, ए कितने में भर रहा भाई? 12। बी खाली कितने में कर रहा है? तो जो खाली कर रहा है माइनस, और जो भर रहा है वो प्लस, दोनों का लासा 12 चौके 48 से कम। अब देखो ये भर रहा था, ये खाली कर रहा, अंतर यानी कितना भर पा रहा है? 3। तो 48/3 और 16 दिया 48, यानी 16 घंटों में टंकी फुल भर गई। एक और करें आज का अंतिम, टाइम कितना हो गया भाई? 50। चलो 9:50 हो गए, थोड़ा जल्दी है, कोई बात नहीं, करते हैं अभी थोड़ा सा, अभी एक प्रश्न और है, इतना ही रखो, क्योंकि हमें भी थोड़ा थोड़ा सा हालत नहीं आ रहा, नींद भी नहीं आ रही, पर उबासी आ रही है। हाँ, तो आज का लास्ट प्रश्न पढ़ो भाई, कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट तथा 20 मिनट में भरते हैं, कितने में भरते हैं, कि 10 तथा 20 मिनट में भर देते हैं टंकी को तल से एक रिसाव के कारण। टंकी के तल में क्या है? फूटी थोड़ा रिसाव है, रिसाव कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 60, बी 7, सी
पांच और डी आठ। तो भाई ये भरना है और खाली भी करना है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला था साथ में। चलो कोई बात नहीं, भरवाते हैं। तो कितना आ गया भाई? आठ। चलो भाई तुम भी देख लो आठ कैसे आने। तो जब ए कितने में भर रहा था भाई, और बी बीस में, सी जो रिसाव है वो सी मान लो, चालीस में खाली कर रहा है, सबका लासा चालीस, दस चौके बीस, दूनी चालीस और चालीस से कम चालीस, तो चार दो छः, तो भर रहा है, खाली कितना कर रहा है एक, तो कितना बच रहा है बेटा पाँच, यानी पाँच भर पा रहा है। तो कितना टोटल भरना है हमको चालीस में, पाँच अठे यानी आठ घंटे में हम टैंक को फुल भर सकते हैं, है ना भाई? तो यहीं तक रखे हैं आज, और कुछ रह गया? फिर बोलेंगे हम वो तो खामोश समुंदर हैं जिनके पहलू में तूफान पलते हैं। तो आज क्लास यहीं तक, सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, और क्या बोलें, जय हिंद और बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम।